الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة صدق الله العظيم. आज से हम सूरह वाक़िया शुरू कर रहे हैं और यह सूरह वाक़िया मक्की सूरत है और इसके तीन रुकू हैं और 96 इसकी आयात हैं। ये मक्की सूरत है और मक्की सूरतों का जो ज़्यादातर उनवान होता है अकायद और नज़रियात की बहस होती है और उसमें ज़्यादा तौहीद, रिसालत, क़ुरान पाक की हक़ानियत और मौत के बाद जो आने वाली ज़िंदगी है उसको बयान किया जाता है। तो इसकी सूरह वाक़िया की शुरू की आयात में क़यामत के होलनाक मंज़र को बयान किया है और उसके बाद फिर इंसानों की जो तीन किस्में, तीन ग्रोह बन जाएंगे उनको बयान किया है। तो एक होंगे काफिर जिनको असहाब शिमाल कहा है, दूसरे है असहाबुल मैमना आम मुसलमान और तीसरे जो है अस्साबिकून अल्अव्वलून उलाइकल मुकर्रबून जो आला दर्जे के मुत्तकी और परहेज़गार और नेक लोग होंगे। तो अल्लाह जल्ला जलालुहु फरमाते हैं इज़ा वक़अतिल वाक़िया, जब वाक़े होने वाली वाक़े हो जाएगी यानी जब क़्यामत आ जाएगी, लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, कोई भी उसको जुटलाने वाला, उसका इनकार करने वाला उस वक़्त नहीं होगा। खाफिज़तुर राफ़िया, वो बुलंद करने वाली भी होगी और पस्त करने वाली भी होगी, तह बाला कर देने वाली होगी हर चीज़ को। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ रज्जा, जिस वक़्त के ज़मीन को अच्छी तरह से हिला दिया जाएगा यानी पूरी ज़मीन के ऊपर ज़लज़ला आ जाएगा। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ों को रेजा रेजा कर दिया जाएगा। फ़कानत हबा मुंबस्सा, और ये पहाड़ उड़ता हुआ गुबार हो जाएंगे। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, और तुम ए इंसानों तुम फिर तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे, तीन जमातें बन जाएंगे। तो इस ये आयत के बहुत से फ़ज़ाइल हैं और इसके बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि जो आदमी सूरह वाक़िया को रोज़ाना रात को पढ़ने का एहतमाम करेगा उसके घर में कभी फाका नहीं आएगा, उसको कभी फाका नहीं पहुंचेगा। और इसके बारे में हदीस भी है कि हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, यह हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में किसी सूबे के गवर्नर थे, बीमार हो गए तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनकी बीमार कुर्सी के लिए आए। बीमार कुर्सी के लिए आए तो आकर इनसे पूछा कि मादा तश्तकी, आपको क्या शिकायत है, क्या परेशानी है? तो उन्होंने फरमाया कि जुनूबी, मुझे तो अपने गुनाहों से डर लग रहा है। सहाबी रसूल है और ये वो सहाबी हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यानी अहले बैत में घर के लोगों में शुमार होते थे। और हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इनके बारे में फरमाया था कि जो इस उम्मत के लिए अब्दुल्ला इब्ने मसूद पसंद करे तो उसको ले लो। तो फुकहा सहाबा में से थे ये। तो ये अपनी बीमारी में क्या कह रहे हैं, अखाफ़ु ज़ुनूबी, मुझे अपने गुनाहों का खौफ है, गुनाहों से डर लग रहा है। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, पूछा कि माज़ा तश्तही, क्या आपकी ख्वाहिश क्या है, किसी चीज़ की तलब हो? तो उन्होंने फरमाया कि रहमत रब्बी, मैं तो अपनी रहमत का तलबगार हूँ इस वक्त, अल्लाह मुझ पर रहम कर दे। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि क्या मैं आपके लिए किसी डॉक्टर का, हकीम, तबीब का इंतज़ाम करूँ, किसी को इलाज के लिए बुलाऊँ? तो उन्होंने फरमाया कि अत्तबीब अमरज़नी, जो तबीब है, जो डॉक्टर है, उसी तो ने तो मुझे बीमार किया है, वही मेरा इलाज भी करेगा। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला ने पूछा कि क्या मैं आपके लिए कोई हदिया, कोई तोहफ़ा, कोई पैसों का इंतज़ाम करूं, तो ताकि आपकी बच्चियां जो है उनको
यानी सहूलत रहे। तो उन्होंने कहा कि मुझे तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है कि तो आप मेरे लिए कोई हदिया का इंतज़ाम करें, और मेरी बच्चियों को भी कोई ज़रूरत नहीं है। और इसलिए कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था कि जो आदमी सूरह वाकया, जो आदमी रात के वक्त सूरह वाकया का एहतमाम करेगा उसको कभी फाका नहीं पहुंचेगा। और मैंने अपनी बच्चियों को सूरह वाकया सिखला दी है, वो रोज़ाना इसका एहतमाम करती हैं, कभी उनको फाका नहीं पहुंचेगा, इसलिए आप इसकी फ़िक्र न करें। तो ये इस कदर यानी हुज़ूर अलैहिस्सलाम के फरमान पर इस कदर यकीन है कि कह रहे हैं कि बस मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि जिस घर में या जो आदमी भी सूरह वाकया के पढ़ने का एहतमाम करेगा उसके घर में फाका नहीं होगा। मैंने बच्चियों को सिखा दिया है, वो पढ़ती रहेंगी, इंशाल्लाह कभी उनको फाका नहीं आएगा। तो हमें भी इसका एहतमाम करना चाहिए, रोज़ाना रात को सूरह वाकया पढ़ के सोना चाहिए। मगरब के बाद का वक्त आदमी इसके लिए ख़ास कर ले तो उस वक़्त में पढ़ ले। अगर कोई आदमी इशा के बाद फारिग होता है, फुर्सत होती है, तो इशा के बाद सूरह वाकया पढ़ के सोना चाहिए। तो अल्लाह फरमाते हैं इदा वक़ातिल वाकया, कि जब वाकया होने वाली वाकया हो जाएगी, यानी क़यामत आ जाएगी। जब ये मक्की ज़िंदगी की सूरत है, और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने कुफार के सामने ये बयान किया कि दुनिया की ज़िंदगी आरज़ी है और इस कायनात, एक हर इंसान की मौत है और एक इस कायनात की मौत है जो क़यामत का दिन होगा, और सूरज जो है टूट जाएगा, और इसी तरह जो है चाँद भी टूट जाएगा, आसमान फट जाएंगे, ज़मीन जो है फट जाएगी, पहाड़ अपने रुई की गालों की तरह उड़ने लगेंगे। तो कुफार के लिए ये बात समझना बहुत मुश्किल थी, उनके अरबों साल से जब आसमान इसी तरह खड़ा है, ज़मीन इसी तरह बिछी हुई है, पहाड़ इतने मजबूत हैं, ज़मीन के अंदर गड़े हुए हैं, तो ये कैसे हो जाएगा कि ये सारा का सारा निज़ाम दरहम बरहम हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनके जवाब में अल्लाह ताला फरमाया इज़ा वक़अत, आज तो तुम इसका इनकार कर रहे हो, तुम्हारी समझ में ये बात नहीं आ रही कि क़यामत का दिन भी कोई आने वाला है और ये आकर रहेगा, तो आज तो तुम इसका इनकार कर रहे हो, लेकिन जब वाकई होने वाली क़यामत वाकई हो जाएगी लैसा लिवक़ातिहा काज़िब, उस वक्त फिर इसका कोई इनकार करने वाला नहीं होगा, फिर हर एक अपनी आँखों से देख लेगा कि क्या हो रहा है। हाफिज़त और राफ़िया, और वो क़यामत का दिन जो होगा वो बहुत से वो तह बाला करने, हाफिज़ा पस्त करने वाला होगा, राफ़िया बहुत सी चीज़ों को उठाने वाला होगा, यानी ज़मीन के अंदर इस किस्म का जलजला आएगा कि हर ऊपर की चीज़ नीचे, नीचे की चीज़ ऊपर चली जाएगी। एक तो मतलब इसका है कि हर चीज़ को तह बाला कर देगी क़यामत, और दूसरा इसका मतलब यह है कि जो लोग दुनिया के अंदर अपने कुफर के बावजूद, अपनी नाफरमानी के बावजूद, अपनी सरकशी के बावजूद दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखे जाते हैं, और दुनिया का इक्तदार जिनके पास है, क़यामत के दिन ये इज़्ज़त वाले ज़लील हो जाएंगे। जिनको आज जिनकी तरफ निगाहें उठती हैं और जिनकी तरफ बहुत इंसान जो है मुतवज्जे होते हैं, उनके माल और दौलत की तरफ, उनके ओहदे की तरफ ललचाई हुई नज़रों से देखते हैं, तो क़यामत के दिन जो ये इज़्ज़त वाले हैं ये ज़लील हो जाएंगे। व राफ़िया, और जो वो मुसलमान फ़कीर कमज़ोर जिनको दुनिया में कोई हैसियत नहीं दी जाती, वो मुसलमान क़यामत के दिन बहुत इज़्ज़त वाले हो जाएंगे। तो ये क़यामत पस्त और जलील करने वाली भी है और बुलंद करने वाली भी है। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ रज्जा, जिस दिन पूरी ज़मीन को हिला दिया जाएगा, पूरी ज़मीन के ऊपर जलजला आएगा। दुनिया में आज जो जलजले आते हैं वो किसी ख़ास इलाके में आते हैं, हम खबरों में पढ़ते हैं, सुनते रहते हैं आज फलां जगह जलजला हुआ, आज फलां जगह जलजला हुआ, तो वो थोड़ी सी जगह का जो जलजला होता है वो भी क़यामत बर्पा कर देता है, लेकिन क़यामत के दिन का जो जलजला होगा वो पूरी ज़मीन को, एक ही दफ़ा पूरी ज़मीन को हिलाया जाएगा, और हर हर चीज़ हिल जाएगी, बुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे, और कानत हबा मुंबसा, उड़ता हुआ गुबार हो जाएंगे। तो एक तो यह है कि पहाड़ टूटे और उसकी चट्टाने बिखर जाए, एक ये है, एक ये है कि ऐसा अल्लाह फरमाते हैं कि हम पीस के रख देगी क़यामत हर चीज़ को, कि ये पहाड़ रुई के गालों की तरह उड़ेंगे और रेज़ा रेज़ा हो जाएंगे और गुबार बन जाएंगे। गुबार जैसे बाद रोशनदान से रोशनी अंदर आ रही होती है, उसके अंदर छोटे छोटे ज़र्रात उड़ते हुए नज़र आते हैं जिनका कोई वज़न नहीं होता, वो बग़ैर हवा के उड़ रहे होते हैं, तो ऐसे ही पहाड़ क़यामत के दिन उड़ने लगेंगे और गुबार बन जाएंगे। वकुंतम
अज़वाजन सलासा, और तीन तुम तीन ग्रोहों में तकसीम हो जाओगे। एक वो लोग होंगे जो काफिर हैं, जिनको बग़ैर हिसाब के दोज़ख में डाला जाएगा। दूसरे वो हैं जो बहुत पक्के आला दर्जे के ईमान वाले हैं, जिनको बग़ैर हिसाब की जन्नत में भेज दिया जाएगा। और तीसरे लोग हैं अस्हाबुल मैमना, के जो अस्हाबुल यमीन हैं, जो यानी दरमियाने दर्जे के मुत्तकी लोग थे, उनका हिसाब व किताब होगा। तो ये क़यामत के होलनाक मंज़र को अल्लाह जल्ला जलालहु बयान फरमा रहे, और ये क़यामत का वाक़िया हो के रहना है और इसने ज़रूर बज़रूर पेश आना है, इसलिए हमें इसकी तैयारी करनी चाहिए। अल्लाह ताला हमें अपना अकीदा, अपना अमल कुरान पाक के मुताबिक बनाने की तौफीक नसीब करे।